अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं मार्केट गया। मैंने सोचा कि बहुत दिनों के मोबाइल ले लिए, बल्कि बहुत साल गुजर चुके हैं मोबाइल ले लिए, ठीक है, तो क्यों ना मोबाइल चेंज कर लिया जाए। जब मैं मार्केट पहुंचा तो मुझे मुख्तलिफ मोबाइल देखने को मिले, और जैसे कि बड़ी कंपनी के जो मोबाइल्स हैं जैसे ओप्पो, सैमसंग, इनकी तो वही बॉल रेट बढ़ चुके हैं अब, तो वो तो मैं रहने से कासिर था। तो मुझे दुकान वाले ने कहा कि भाई ये एक न्यू मोबाइल आया है स्मार्ट कंपनी का, आप इसको ट्राई कर लें, इसका देखने में भी शेप अच्छा है और जो है ना इसका रिजल्ट वगैरह भी अच्छा है, मुनासिब रेट में आया है। क्योंकि ये नया है तो इस वजह से इसके अभी फ़िलहाल कम प्राइस है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बहुत ही तरक्की करने वाला है और बहुत ही फेमस होने वाला है, तो इस वजह से फिर इसका प्राइस भी दूसरे मोबाइल की तरह ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे पास वैसे तो सैमसंग और ओप्पो वगैरह मोबाइल लेने के थे नहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा ठीक है जो है ना नया मोबाइल है, देखने में भी सही था, और तो इस वजह से मैंने कहा इसी को ही ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। जब मैं इसको देखा खोल के तो वही दुकान पे मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसको देखने में इसका कलर ब्लू वो भी बहुत अच्छा था और कैमरा भी इसके अच्छे थे। लेकिन जब मैं घर आया और घर पे इसको जब चला के देखा पर्सनली, सही तरीके से इसको टाइम दिया, इसकी बैटरी जो है वो भी बहुत अच्छी है, मैंने बहुत देर मोबाइल यूज़ किया उसके बावजूद भी जो है ना इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी से ख़त्म नहीं हो रही, और इसके अलावा जो है ना इसके कैमरा का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं ये मोबाइल ख़रीदा है तो मुझे इसकी कोई एडवर्टाइजिंग मैं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग की बात नहीं है, क्योंकि एक चीज़ मैंने ख़रीदी और नहीं है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। हाँ, बाकी जो है ना आप लोगों की मर्ज़ी, क्योंकि दूसरे मोबाइल ओप्पो, सैमसंग और इसी तरह जो दूसरी कंपनीज हैं उनके इतने मोबाइल के रेट जो है ना हाई हो चुके हैं कि मुझे दुकान वाले का अगर तुम्हारे जेब में 1 लाख है या 80,000 है तो सैमसंग की बात अगर करना चाहते हो तो फिर इतनी रकम तुम्हारे जेब में होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा की तो कोई हद ही नहीं है, कम से कम तुम्हारी जेब में 80,000 या 1 लाख होना चाहिए, फिर हम तुम्हें सैमसंग दिखाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, तो ये जो बहरहाल मुझे स्मार्ट कंपनी का फ़ोन मैंने ख़रीदा है, ये इसकी तो यूट्यूब पे जो प्राइस बताई जा रही थी वो 22,000 बताई जा रही थी, लेकिन जब मैं मार्केट गया तो मार्केट वाले ने मुझे बताया कि वो तो हम भाई इस वजह से इतनी छोटी इसकी कम प्राइस बताते हैं ताकि व्यूअर्स बढ़े और जो है ना हमारे पास यहाँ पे लोग आए, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि इसकी हम जो प्राइस आपको दे रहे वो है 25,000, तो 25,000 उन्होंने मुझे कहा और मैंने उनको 25,000 पे किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि 25,000 भी दूसरे मोबाइलों के मुताबिक कम थे, दूसरे मोबाइल तो 30 से बल्कि इससे भी ज्यादा शुरू हो रहे थे, 35 से शुरू हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने यही खरीदा, क्योंकि देखने में लुक वाइज भी सही है और इसके रिजल्ट वगैरह जब अब मैंने चलाया है इसको तो उस हिसाब से भी बहरहाल बहुत बेहतर है, दुरुस्त है।